दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर एमुलेट मगोरी वाला डिस्प्ले। रियलमी 5i आने वाला है, कंट्रोल रूम। हाँ उम्मीद करता हूँ अब तुम्हारी ऑडियो के यार, सबके मसले ना हो। नहीं नहीं वो हो गया। अच्छा जी, तो क्या राय है तुम्हारी? यार मेरी राय कुछ भी नहीं है यार, रियलमी का पता नहीं क्या, हर महीने अपने कुछ ना कुछ नया नमूना लॉन्च कर देते हैं। रियलमी का भी, रियलमी 5s का भी, रियलमी 5i, पता नहीं चाहते क्या। अभी हमने 5s पे इतनी लंबी चौड़ी बात की थी कुछ दिन पहले, एक ही मोबाइल को करके सीट पर हमने बात की थी, लेकिन पता नहीं शायद हमने वो वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी उस वीडियो के ऊपर, तो हमें कुछ मतलब एक्शन लेना पड़ा था वीडियो के ऊपर। हम काफ़ी इधर उधर निकल गए थे। नहीं उधर तो नहीं, वो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या कहते बहुत ही मतलब ये ना होता हम वीडियो डालते अगले दिन। हाँ। अगले दिन एक ब्लैक वीगो आ जाती रियल मी की तरफ से। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, मुझे ना इसमें खाली भाई के मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं वेट चाय पी रहा हूँ, चाय के ढाबे में बैठे हो अभी, चलो भेज दे। अच्छा जी सही हो गया, चाय के डब्बे से उनको शो में बुलाएंगे हम। चलो जी, सर्दी का मौसम है, चाय पीने का दिल करता है, बारिश हो रही है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, चाय की किसी और दिन बात करेंगे। और जब A71 की भी ले ली है तो A91 की भी ले लेते हैं। क्या लेनी है? मुझे जॉब ही लेने लगे। अच्छा। बस और एक चीज मुझे शुक्र है इनने काम की कर दी है, वो ये कि स्नैपड्रैगन 855 है। हाँ। लेकिन चवल ऐसे 855 प्लस नहीं, 855 डाला है इसमें। और सबसे मेन फीचर मगोरी वाला डिस्प्ले। हाँ वो मगोरी वाला डिस्प्ले तो हर दफा बात करनी है उसकी। अल्लाह माफ करे। हाँ पता नहीं क्या ऑपरेशन है सैमसंग को, मतलब इतने पैसे दे के भी अगर प्लास्टिक करने के रहते हैं, मैं अब नहीं पता ग्लास है प्लास्टिक, लेकिन अगर प्लास्टिक होगी ना तो खालिद भाई को कहना है कि बंदे बुला लो और बंदे लेके जाना है इनके हर दफ्तर में। ड्रिल लेके घुसता है छड्डे चीर देंगे। तुझे क्या ऑब्सेशन है ड्रिल से? बहुत लंबी कहानी फिर किसी में, फिर सेगमेंट में सुनाऊंगा। हाँ कि प्लास्टिक का फिर चांस नहीं है, लेकिन अगर ग्लास है तो फिर चांस होगा। लेकिन ग्लास दे के भी अगर वायरलेस चार्जिंग नहीं देंगे ना तो आटा हाथ पे लगा के ऐसे जोर से थप्पड़ मारो इनको, खालिद भाई की चुम्मी दो जहरीली वाली। खालिद भाई की ना इनको चेयर पे बांध के ना खालिद भाई के टिकटॉक वीडियो ना प्ले करते रहो, इनकी आंखें नहीं बंद करने देनी, आंखें खोल के रखनी इनकी, टेप लगा आंखों पे टेप लगा देनी और वो वीडियो इनको 24 घंटे तक लूप पे लगा के देनी है, जब तक ये इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं डालेगा तब तक लगा के देनी है इनको, बड़ी वाली स्क्रीन पे दिखाएंगे उस मंगोरी वाली स्क्रीन पे, डॉल्बी एटमॉस में खालिद भाई की वीडियो लगाएंगे 24 घंटे तक। अरे अगर देखनी तो अच्छी क्वालिटी में देखो, अच्छी साउंड क्वालिटी में, डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस मतलब मजा, सराउंड साउंड। उनको बार बार देखनी पड़े वो। एक बाथरूम पे लगा दो, एक शीशे पे लगा दो, एक कूलर के आगे लगा दो, एक एसी के ऊपर लगा दो, पंखे पे लगा, टीवी पे चिपका दो एक पिक्चर, इनके मोबाइल के ऊपर भी चिपका दो, हर जगह पिक्चर चिपका दो, इनके मुंह पर भी चिपका दो एक, इनके अंडरवेयर पे भी प्रिंट कर दो, टैटू बना दो पूरा उसका, इनके ऊपर टैटू, फिर निमट सकते। और एक ही बारी में तीनों मोबाइलों की लेने की हमने फैसला किया था, तो फिर अब मैं बार बार नाम मिसप्लेस की जा रहा हूँ। वैसे खालिद भाई की ज्यादा ले ली है। अच्छा जो अभी खालिद भाई की ज्यादा ले ली अल्लाह माफ करे। अच्छा ये Vivo V17 के ऐड के अभी 5 सेकंड नहीं हुए और कह रहे आई व्यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले। आई व्यू क्या होता है? ये मगोरी वाला होगा और क्या।
मोहरी वाला कह सकते हैं यार, मोहरी वाला कह सकते हैं। उसको लिख दो, उसको लिख दो सुपर एमुलेट मोहरी वाला डिस्प्ले। अल्लाह माफ करे। सुपर एमुलेट मोहरी वाला डिस्प्ले। अच्छा जैसे मैं बोला क्या क्या कर रहा हूँ, पबजी भी खेल रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ और आपके दोस्त से भी बात कर रहा हूँ। इन डिस्प्ले फिंगर और साथ बंगाले मूवी भी। अच्छा रियल मी वाले ना सस्ते लोग बुला रही है, ये प्राइस ही गलत बोल दी स्टेज पर। 2999 में रियल मी 5S। द न्यू रियल मी 5S कम्स इन अ न्यू कलर वेरिएंट, द क्रिस्टल रेड, 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा, अल्ट्रा वाइड वीडियो रिकॉर्डिंग, 5000 mAh बैटरी। Any guesses what the price is going to be, ladies and gentlemen? I will tell you. This dazzling cell phone is going to be available for only 2,999 rupees. Yes. नहीं इनको लग ये ना लोगों को ऐसे AI दिखा रहे हैं, पता नहीं जो 32 megapixel AI कैमरा ना उससे पता नहीं बंदे को ना नासिर खान clear as real नासिर खान जान से ना clear as real नासिर खान जान से ऋतिक रोशन मार देंगे। खालत भाई हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको रखो किस चीज़ वीवो के एड में। मैंने बोला क्या करना है, मोगोरी वाला डिस्प्ले। सारे कंपनीज कैमरा के पीछे पड़े हो के पता है कि पाकिस्तान में लोगों का कैमरा के अलावा कुछ पता नहीं हुआ है। इसके अलावा भाई रैम, कोई रैम होते, कोई रोम होते, कोई प्रोसेसर होता है। देखो जब रैम की बात आती ना तो लोग ये भी नहीं देखते रैम है किस टाइप की, DDR2 है, 3 है, 4 है, किस टाइप की, ये भी नहीं पता कि यार रैम। यही सीन है, यही सीन है। अच्छा जी अब चलो रैम्स आगे आते हैं। 8GB प्लस 256GB रैम, क्लियर एज रियल। इसका क्या मतलब है पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्या बोंगी मारी है यहाँ से? इसमें चुम्मे के एक डिटेल नजर आएगी ना सिर्फ खाजान की, बिल्कुल रियल लगेगा आपको। यार DSLR की पिक्चर लगाई भी है अभी, DSLR से खींच के मोबाइल में करके भाई कितना टाइम लगता है। हरीम को हरीम क्यों मेरी जान लेने पे तुली हो, ये क्या पता नहीं मेरी जान निकल जाती है भैया यहाँ। और कुछ लगे हुए कि वैसे कोई बता सकता है इस लड़की का नाम क्या, ये अल्ट्रा लेजेंड है जो भी है, ये तरसे में लोग है पाकिस्तान के शदीद तरसे। एक बंदा बोला लव यू हरीम जानी, हरीम जानी। लोग यार मुझे समझ नहीं आती लड़कियों के नाम लिख के आ जाते हैं उसके बाद कहते हैं मुझे कौन कौन मोबाइल देगा। मैं तो बड़ा वाला मोबाइल देना चाहिए। ओ रिप्लाई यार। अल्लाह माफ करे। खाली मेरे को बटो ले गया। अब तुझे अहमद कोई कोई चीज़ किराए पर लेने की बात नहीं करनी, वीडियो क्या अभी रिकॉर्ड हो रही है, अब तू जो बोलेगा तेरी बेइज्जती होगी। जो बोलेगा खल भाई इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? 108 मेगापिक्सल से कंट्रोल रूम में जादू हाथों की तस्वीरें बड़ी डिटेल से ले सकता है। अल्लाह माफ करे यार मैं एली फोटो कैमरा है 50 mm इक्विवेलेंट, 5 मेगापिक्सल का जिसको आप स्केल किया है ना 8, एक और टेलीफोटो, अबे दो दो टेलीफोटो की लगाई हुई है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखा तो है मैंने, सैंपल शॉट्स देखे, लेकिन वो ये है कि उससे पिक्चर बड़ी मज़े की आती है, मतलब प्रॉपर वो बैकग्राउंड ब्लर करता है, मुझे लगता है DSLR ही है शायद, इतना करीब है, काफ़ी करीब है। कैनन 200 लगा दिया। पाउंड्स को अगर पाकिस्तानी रुपीस में कर लो तो 88,000 बनते हैं, लेकिन 10,000 रुपये कस्टम टैक्स भी ठोक दो के अपने कस्टम वाले ही बड़े क्या कहते हैं माशाल्लाह से अच्छे हैं ना। बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे। मैं मिला था एक दिन कहते बहुत अच्छे बंदे हैं। हाँ बहुत अच्छे। नाइस पर्सन। हाँ नाइस पर्सन। बहुत और रैम लगता है मोबाइल कौन सी कैटेगरी का है, कितने का करना है, 10,000 ठोक दो इस पे। यस।